अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इदरीस हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मेरे मोस्टली सब्सक्राइबर गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स रिलेटेड हैं और कुछ मेरी दूसरी वीडियोस को भी देखना पसंद करते हैं। मेरा अभी चूंकि फैमिली के साथ एक टूर का प्रोग्राम बन रहा है नादर साइड पे, मेरी भांजी आई हुई थी लंदन से, तो उसने ये दो तीन महीने पहले प्रोग्राम बनाया था कि मामू तमाम फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो नॉर्दर्न एरिया की तरफ जाएंगे। हमारा भी प्रोग्राम फाइनल हो चुका है। हमारा ये 5 दिन का टूर होगा जिसमें मैं तो एंजॉय करने ही वाला हूँ, साथ करूँगा आप लोगों को गिलगित बल्तिस्तान और नलतर वैली के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फानंदोज। मेरे साथ जुड़ी रहिएगा और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बाइकर हैं, अगर आप बाइक पे जाना चाहते हैं या अपनी गाड़ी पे जाना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सेकेंडली बताऊँगा कि मेरा ये एक्सपीरियंस कैसा रहा है और उसके बाद वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊँगा कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो मैंने की हैं, आप लोगों को वो गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो मेरा ये ट्रिप 5 दिन का है तो मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि मैं तो नॉर्दर्न एरिया के नज़ारों से महसूस होने ही वाला हूं, साथ में करूंगा आप लोगों को भरपूर तरीके से एंजॉय। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही घंटी के आइकन को आप लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे नाज़रीन की स्क्रीन पे सबसे पहले पहुँचे। हुंजा की खूबसूरत पहाड़ियों की तरफ सफ़र जिंदगी के एक नए बाब की इब्तिदा है। हर कदम पर नए मनाजर की खूबसूरती हमें जिंदगी की असलियत से आगाह करती है। ऐसा ही एक सफ़रनामा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि इस सफ़र में मेरा तजर्बा कैसा रहा, हमें किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप नॉर्दर्न एरिया का विजिट का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। ये सफ़रनामा मेरे इन तजर्बात, खूबसूरत मनाज़रों और बेमिसाल लम्हात का एक छोटा सा हिस्सा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे सफ़र की कहानी पसंद आएगी और ये वीडियो खसूसन उन बाइकर के लिए मुफीद है जो इन इलाकों के सफ़र का शौक रखते हैं। हमने यहाँ चकवाल से एक टूर ऑपरेटर को हायर किया जिसने हमारे 7 फैमिली मेम्बर्स का लमसम पैकेज दिया। तैयारी फाइनल होने के बाद अगला मरहला शॉपिंग का आया क्योंकि मौसम गर्मा का आगाज हो चुका था, लिहाजा सबसे पहले बच्चों के और तमाम फैमिली मेंबर्स के लोगों के गर्म कपड़ों का एहतमाम किया गया और इसके साथ साथ जो जरूरी मेडिसिन और फर्स्ट एड किट जिसकी हमें रास्ते में जरूरत पड़ सकती थी वो रख ली गई और एक चेक लिस्ट बनाई गई ताकि कोई चीज रह न जाए।